तो भाई लोग स्वागत है आप सभी लोगों का WWE 2K24 के एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आज के इस मैच में ना आप सभी की वन ऑफ द फेवरेट टीमों में से एक टीम प्रो अपना फिर से कमबैक करने जा रही है भाई। लेकिन दोस्तों आज टीम प्रो अपने कमबैक के साथ ना एक ऐसे सुपरस्टार का भी डेब्यू कराने जा रही है, जो कि नॉर्मली आप लोगों ने जब भी WWE 2K24 की वीडियोस देखी होगी ना, उनमें हमेशा उस सुपरस्टार को पिटते हुए देखा होगा भाई। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि दोस्तों अपने 16 टाइम चैंप जॉन सीना है भाई। लेकिन दोस्तों आज जो जॉन सीना टीम ब्रो के साथ मिलकर के ना टीम कोडी रोड्स के साथ कंपीट करेंगे, वो कोई नॉर्मल सीना नहीं है भाई, वो एकदम ही हील कैरेक्टर वाले सीना है, जिनका की नाम है भाई वन आई सीना। देखते हैं फिर दोस्तों आज के हमारे इस मैच में ना टीम ब्रो अपने कमबैक मैच में सीना को जो लेकर के आई है ना, क्या उसके एडिशन होने के साथ टीम कोडी रोड्स को कुछ नुकसान होता है, या फिर आज टीम कोडी रोड्स टीम ब्रो को उनके कमबैक मैच में हराती है भाई अपने वन आई सीना के साथ। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना ये मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई, आज के हमारे इस मैच को ना इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम आप लोगों के हिसाब से जीत सकती है भाई, टीम ब्रो या फिर टीम कोडी रोड्स भाई? क्योंकि देखो दोनों ही तरफ सुपरस्टार्स बहुत अच्छे हैं, मॉडर्न सुपरस्टार दोनों ही तरफ हैं भाई। अब देखते हैं कि वन आई सीना आज कैसा परफॉर्म करते हैं। लगा दिया भाई, अच्छे आते ही सुपर फिनिशर लगा दिया। अरे मैं तो आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया भाई, यहाँ पर दोस्तों जो अपने वन आई सीना है ना, उनके पास अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मूव्स वगैरह बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी बहुत मूव्स वगैरह चेंज किए हैं सीना के, वरना सीना को नॉर्मल तरीके से तो भाई कुछ भी अच्छा बना पाना सीना का बहुत मुश्किल है। लेकिन वन आई वाली जो सीना मैंने बनाया है ना, इसमें दोस्तों मैंने बहुत सारा एडिशन किया है और बहुत से चेंजेस किए हैं भाई। और इसका नमूना आप लोग इतनी जल्दी देख सकते हो कि उन्होंने अंडरटेकर सर को इतनी जल्दी एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे लगता है कि कोडी रोड्स का भी नंबर लगाएंगे भाई ये वाले सीना। भाई आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये वाले सीना कैसे लग रहे हैं भाई, क्योंकि जिस हिसाब से ये सीना परफॉर्म कर रहे हैं ना, अंडरटेकर सर को दो ही फिनिशर में एलिमिनेट कर दिया भाई ये वाले सीना ने। इनमें थोड़ा बहुत मैंने एडिशन किया है, यानी कि चेंजेस किए हैं, बाकी ऐसे कोई चेंजेस नहीं है किए हैं भाई। बाकी आप लोग बॉडी वगैरह देख सकते हो, मैंने नॉर्मल तरीके की बॉडी रखी है। लेकिन जिस हिसाब से वन आई सीना परफॉर्म कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये तो डेफिनेटली भाई टीम ब्रो का हिस्सा बनने लायक है भाई। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है भाई, कि क्या मुझे वन आई सीना को टीम ब्रो का हिस्सा बनाना चाहिए या फिर नहीं भाई। लेकिन देखो एक काम करते हैं ना, अभी तो मैच स्टार्ट ही हुआ है भाई, तो इतनी जल्दी मैच का फैसला नहीं करते हैं। देखते हैं कि टीम ब्रो में आज वन आई सीना कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लगा दिया अभी। देखो अभी तक एलिमिनेशन तो नहीं हुआ है वन आई सीना का, क्योंकि मुझे लगता है कि खेलेंगे बहुत ज़बरदस्त भाई। ऊपर से इनके साथ अपने OTC ट्राइबल चीफ भी हैं भाई, ये वाले OTC रोमन बहुत ज़बरदस्त है ना। देखो एक काम करो, अभी मेरे हिसाब से वन आई सीना को ना जाके किसी एक सुपरस्टार को अपनी टीम में टैग देना चाहिए, क्योंकि उनके पास हेल्थ नहीं है। और अगर ये वाला फिनिशर वन आई सीना को लग गया ना, तो मुझे लगता है कि उनका एलिमिनेशन हो जाएगा यार। सीना गए, सीना अब बाप रे बाप, चार फिनिशर सीना ने, चार फिनिशर सर्वाइव किए हैं भाई यहाँ पर। बचा लो सीना को, कोई तो बचा लो भाई। यार देखो कुछ भी कहो भाई, आप लोग कुछ भी कहो ना, यार सीना यार आपके ना, अरे बाप रे बाप, पांच फिनिशर, ये तो इम्पॉसिबल है भाई कि कोई भी सुपरस्टार भाई नॉकआउट मैच में पांच फिनिशर खा रहा है। आप लोग मान सकते हो भाई, भाई वन आई सीना देखो, आज अगर वन आई सीना भी यहाँ पर से एलिमिनेट भी हो जाते हैं ना, तब भी भाई वन आई सीना को मैं बहुत ही ज़्यादा चांसेस देने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है और आगे भी इंप्रेस कर रहे हैं भाई। साइक्लोमैन के दो फिनिशर खाए, कोडी रोड्स का फिनिशर खाया, सुपर फिनिशर खाया, उसके बावजूद भी मैच ही बने हुए टैग दे दिया, बहुत अच्छा भाई। देखो भाई आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा ना कि सुपर भाई, देखो वन आई सीना का एलिमिनेशन करने के लिए आप लोग मुझसे बिल्कुल मत कहना भाई, क्योंकि ये वाले सीना का एलिमिनेशन मैं नहीं करने वाला भाई। भले ही ये वाले सीना का उपयोग ना मैं कभी भी नॉर्मल मैचों में नहीं करूँगा, लेकिन हाँ भाई जब भी मॉडर्न सुपरस्टार किसी टीम में आएंगे ना, तो वहाँ पर अपने वन आई सीना डेफिनेटली आएंगे भाई, क्योंकि भाई कितना ज़बरदस्त खेल रहे हैं भाई। पाँच फिनिशर किसी नॉर्मल सुपरस्टार का झेल जाना ना कोई आसान बात नहीं है भाई, ये वन आई सीना ने करके दिखाया। इसलिए जितने भी सीना के फैन है ना, आज वो लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि आज मैंने एक सीना का ऐसा मॉड बना दिया है ना, जो कि लगभग मुझे लगता है कि WWE के जितने भी सुपरस्टार हैं उन सभी को टक्कर दे सकता है भाई। पर अगर आप देखते हैं फिर ये वाले सीना कितने सुपरस्टार का एलिमिनेशन करते हैं करके। लेकिन ओमनी मैन यहाँ पर गलती कर रहे हैं, पता है जिस सुपरस्टार के ऊपर फोकस करना चाहिए उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं भाई। RKO खा लिया ये वाले, अपने टकले वाले अपने वाइपर भी बहुत बुरे तरीके से मारेंगे, बहुत अच्छा वन आई सीना ने बचा लिया ना। सीना देखो अभी ये वाले रैंडी का फिनिशर मत करना, ठीक है, क्योंकि आप अगर एक फिनिशर आपने और खा लिया ना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे यार। लेकिन आज टीम ब्रो ने अपने डेब्यू मैच के साथ हारना तो उन्होंने कमबैक मैच में हारना तो नहीं चाहिए भाई। कम से कम ओमनी मैन फिनिशर है आपके पास, और फिनिशर का इस्तेमाल करके वाइपर का एलिमिनेशन कर सकते हो भाई। देखो अपने वन आई सीना ने अंडरटेकर सर को एलिमिनेट कर दिया, पंट की खाएंगे, पंट की खाने वाले थे भाई।
मुंह पे लात मारी बहुत अच्छा भाई, लात मार के तुमने गिरा तो दिया रैंडी ऑर्टन को, लेकिन फिनिशर भी तो लगाना है ना भाई। अच्छा बाहर के काउंट में भूल गया यार, 5 तक ही रखने चाहिए थे मुझे, वरना ये सुपरस्टार्स बाहर बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं। रैंडी को फिनिशर लगा सकते हो, ब्रोक लगा सकते हो, बहुत अच्छा भाई, लेकिन सुपर फिनिशर क्यों नहीं लगाया लेसनर ने, जबकि उनके पास सुपर फिनिशर। अच्छा अपने ओटीसी रोमन के पास सुपर फिनिशर नहीं है यार, लेकिन चलो भाई अगले बार जब भी ओटीसी का मैच होगा ना तो ओटीसी को भी मैं सुपर फिनिशर दे दूंगा भाई, क्योंकि ओटीसी के पास सुपर फिनिशर नहीं है भाई, और ओटीसी विदाउट सुपर फिनिशर कैसे लगेंगे देखो आप लोग। अच्छा मुझे लग रहा है कि जब मैं ओटीसी के मूव चेंज कर रहा था ना, तब मुझे लगता है कि मैंने ओटीसी को थोड़ा बहुत सुपर फिनिशर देना भूल गया भाई। ब्रॉक फिनिशर अभी भी आपके पास है, आरके खा लिया यार, अभी भी ब्रॉक के पास दो फिनिशर, कितने फिनिशर, दो फिनिशर है ना ब्रॉक के पास, किक आउट करेंगे बहुत अच्छा। ओमनी मैन देखो, जब तक किसी सुपरस्टार के पास रेजिलेंस बची हुई है ना, आपको मैच के बीच में नहीं आना है भाई। देखो अभी ब्रॉक के पास चांस बहुत अच्छा है, फिनिशर लगा सकते हैं, फिनिशर ब्रॉक फिनिशर बहुत अच्छा, सुप्लेक्स सिटी, अरे रिवर्स कर दिया यार, ब्रॉक फिनिशर है आपके पास बहुत अच्छा। अरे मुझे लगा कमोरो लॉक लगा दिया, लेकिन नहीं, कमोरो लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, ओटीसी को टैग दे दे, लेकिन ओटीसी नीचे मारेंगे क्या किसी सुपरस्टार को। रोमन देखो एक काम करो, इन सुपरस्टार को नहीं छेड़ना, उनको नहीं छेड़ना है भाई, ये मारेंगे तुम्हें बुरी तरीके से। अब साइक्लोमैन के ऊपर जाएंगे, मुझे डेफिनेटली पता है भाई, रोमन फिनिशर है आपके पास, स्पेयर रैंडी का एलिमिनेशन कर दिया बहुत अच्छा भाई, रैंडी का एलिमिनेशन ओटीसी ने कर दिया ना, अंडरटेकर से का अभी भी भाई ओटीसी के पास फिनिशर है भाई, कोडी के पास कुछ है, कोडी के पास कोई फिनिशर कोई सिग्नेचर नहीं है, तो ओटीसी कुछ बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साइक्लोमैन को टैग, रोमन फिनिशर है आपके पास, रनिंग स्पेयर है, रोमन स्पेयर रिवर्स कर दिया यार। साइक्लोमैन यार, साइक्लोमैन ना एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि पूरी की पूरी टीम को अकेले एलिमिनेट करने की दम रखता है भाई, तो किसी भी तरीके से अगर टीम कोडी से कभी भी साइक्लोमैन का एलिमिनेशन कर देता है ना कोई भी सुपरस्टार, तो समझ लो कि टीम कोडी की आधी ताकत खत्म हो जाएगी भाई। जैसे कि आज ओटीसी अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रिटिन चोक में ले लिया, लेकिन टैप आउट नहीं करेंगे, टैप आउट नहीं करेंगे भाई, अभी भी अपने ओटीसी के पास कुछ है, ओटीसी के पास कोई फिनिशर सिग्नेचर नहीं है ना। रोमन एक काम करो, जाके ओमनी मैन को टैग दे दो या फिर वन आई सीना को टैग दो भाई, नहीं 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 वन आई सीना को टैग मत देना भाई, क्योंकि उनके पास फिनिशर वगैरह नहीं है ना कुछ भी, और ऊपर से अगर एक फिनिशर और वन आई सीना ने खा लिया तो उनका एलिमिनेट होने से कोई नहीं बचा सकता। बाप रे बाप, ड्रॉप किक को भी डबल ड्रॉप किक, अरे ओमनी मैन नहीं नहीं साइक्लोमैन को बनाया सत्या भाई ने, बहुत ज़बरदस्त बनाया भाई। अच्छा रोमन के पास क्या है, रोमन के पास फिनिशर है क्या, रोमन के पास सिग्नेचर है रोमन के पास यार, तो रोमन सिग्नेचर में क्या इस्तेमाल करेंगे ये देखना पड़ेगा भाई, रोमन सिग्नेचर में क्या इस्तेमाल करोगे ये दिखाओ भाई मुझे। चलो पैरों को कमजोर कर रहे हैं ओटीसी के, लेकिन अभी फर्क पड़ेगा नहीं भाई, अब तो मात्र कोडी रोड्स और साइक्लोमैन ही बचे हैं ना अपनी टीम से, दो सुपरस्टार का एलिमिनेशन करना है बस। साइक्लोमैन को अगर किसी भी तरीके से कोडी रोड्स की टीम झेल लेती है ना, ना 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 ना, ना ट्राइबल चीफ की टीम झेल लेती है, तो मुझे लगता है कि कोडी का एलिमिनेशन करना बहुत आसान है भाई। रोमन के पास सुपर फिनिशर तो नहीं है, लेकिन सिग्नेचर जरूर है रोमन के पास। रोमन रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हो भाई, ओटीसी हो यार, गया भाई, बहुत अच्छा रिवर्स कर दिया ना, तो मेरे हिसाब से वन आई सीना भी कोडी के लिए काफ़ी पड़ेंगे भाई, तो ओटीसी को थोड़ा मैच से दूर जाना चाहिए, क्योंकि ओटीसी को मैं चाहता हूँ ना कि साइक्लोमैन को एलिमिनेट करें अपनी ओटीसी। बहुत अच्छा, किस सुपरस्टार को टैग देने जा रहे रोमन ने, क्रॉस रोड खा लिया यार भाई, ये मॉड वाले कोडी रोड्स भी बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं भाई, कैसे देख लो एकदम से पकड़ दिया क्रॉस रोड में भाई, भाई ओटीसी खतरे में आ चुके। रोमन सिग्नेचर है आपके पास, फिनिशर भी है रोमन आपके पास, लेकिन जैसे ही फिनिशर आया तो वहां चले गए आप। अच्छा ये कोई ग्लिच है या फिर कोडी रोड्स के बालों को सहला रहे हैं भाई अपने ओटीसी, बहुत अच्छा भाई फिनिशर का। अरे यार ये साइड वाला स्पेयर रिवर्स कर देते हैं कोडी हमेशा, स्पेयर मैंने कहा था इतने नजदीक से कहां स्पेयर मारोगे रोमन, आपको अगर फिनिशर वगैरह मारना था तो आपके पास तो कमबैक वाला भी है ना यार, कोडी फिनिशर लगा रहे लेकिन रिवर्स हो सकता है, फिनिशर रिवर्स हो सकता है, अरे गए ओटीसी गया मैच से, ओटीसी जा सकते थे भाई। देखो कोडी रोड्स और साइक्लोमैन को मैच से एलिमिनेट करना बहुत टफ है भाई, क्योंकि ये दोनों अपनी टीम की जान है भाई, और मुझे लगता है कि आप गए। अच्छा कोडी के पास कुछ नहीं ना फिनिशर वगैरह, लेकिन हाँ मेरी टीम के पास एडवांटेज यही है कि उनके पास संख्या में अपने पास बल बहुत ज्यादा है भाई। साइक्लोमैन बाप रे बाप शोल्डर टैकल मारा है, बहुत अच्छा वन आई सीना को टैग दे रहे हो, वन आई सीना को बहुत अच्छा भाई। देखो वन आई सीना के पास फिनिशर है भाई, फिनिशर लगा सकते हो, वन आई सीना फिनिशर लगाना है भाई, क्योंकि साइक्लोमैन नॉर्मल तरीके से कुछ फर्क नहीं पड़ना साइक्लोमैन को।
देखो साइक्लोम रिवर्स करेंगे, मैंने कहा था आपसे। देखो वन आई सीना को यहाँ पर भाई अपने बहुत जबरदस्त कमबैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एलिमिनेशन हो गया सीना का। चलो कम से कम सीना के पास यहाँ फिनिशर में एटीट्यूड एडजस्टमेंट नहीं है भाई। सीना फिनिशर है आपके पास, क्लोज लाइन मार रहे थे यार। अच्छा ऐसे क्रॉस रोड नहीं लगा सकते क्या कोडी रोड से? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि टीम प्रो से पहले सुपरस्टार अपने वन आई सीना ही होने वाले हैं जो कि मैच से एलिमिनेट होंगे करके। सीना फिनिशर है भाई आपके पास, देरी क्यों करनी है बताओ? देरी नहीं करनी है सीना फिनिशर वगैरह लगाने में। अगर देरी करोगे तो मार खाओगे और आप पूरे का पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका। जितनी भी मैंने आपकी तारीफ की है ना, मज़ा नहीं आएगा ऐसे करने में। लेकिन देखो अभी तक मैच से एलिमिनेट हुए नहीं है सीना। हो सकता है कि साइक्लोमैन को एलिमिनेट करने के बाद ही सीना एलिमिनेट हो भाई। रिवर्स करो सीना, रिवर्स करो, स्टंड हो जाओगे भाई। अरे यार स्टंड हो गए अब साइक्लोमैन के पास दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है, जहां पर मुझे लगता है कि मुझे वन आई सीना का एलिमिनेशन दिख रहा है भाई। लेकिन देखो कुछ भी कहो ना, ये वाले सीना ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जाके किसको टैग देंगे, किसको? नहीं रोमन को टैग नहीं देना है भाई, रोमन के पास कुछ नहीं है। रोमन के पास ना ही फिनिशर है ना ही सिग्नेचर है। कोडी लगाएंगे फिनिशर अब, क्योंकि कोडी रोड्स के पास अपना एक फिनिशर एक सिग्नेचर है भाई। रोमन फिनिशर वगैरह नहीं है तो एक काम करो, ओमनी मैन को टैग दे दो ना भाई। ओमनी मैन को टैग देते हो तो मुझे लगता है कि वो एलिमिनेशन करेंगे किसी एक सुपरस्टार का। यार कुछ भी कहो ना, साइक्लोमैन बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है भाई। आखिरी लिमिट तक नहीं आता। लेकिन वन आई सीना ने भी आप लोग भूलना मत कि पाँच फिनिशर खाए हैं भाई आज। पांच फिनिशर का ना नॉर्मल सुपरस्टार की बस की बात नहीं है भाई। तो युवाले सिन्हा ने तो अपना स्थान मुझे लगता है कि टीम ब्रो में बना लिया है भाई। जब भी फोर मैन का टीम ब्रो का मैच होगा ना, उसमें मैं हमेशा ही वन आई सिन्हा को लूँगा भाई। और जब भी मोर सुपरस्टार होंगे तब भी मैं वन आई सिन्हा को लूँगा भाई, क्योंकि युवाले सिन्हा मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रहे हैं भाई। रोमन फिनिशर है आपके पास, सिग्नेचर है आपके पास, कुछ तो इस्तेमाल करो। ग्लिटिन लगाएंगे मुझे लगता है, लेकिन इतने नज़दीक से किसी भी फिनिशर सिग्नेचर को ना एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है भाई। लगा दिया ग्लिटिन, कोडी रोड्स गए मुझे लग रहा है। अगर कोडी ने पहले दो फिनिशर खाए हैं तो कोडी गए, कोडी जा सकते हैं। कोडी का एलिमिनेशन कर दिया भाई। अब मात्र साइक्लोमैन बचे हुए हैं जो कि अपनी टीम के वन एंड वन मैन आर्मी है भाई। लगा दिया साइक्लोमैन को, साइक्लोमैन का फिनिशर लगा दिया भाई वन आई सीना ने। मैंने कहा था ना भाई, ये वाले सीना जो है ना, ये पूरे के पूरे हील कैरेक्टर वाले सीना है भाई। और ये वाले सीना बिल्कुल भी किसी का मूव चुरा कर किसी को भी लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं भाई। देखो ये वाले सीना ने तो आज मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया है भाई, बहुत ही ज़्यादा भाई। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ना कि आप लोगों को ये वाले सीना कैसे लगे भाई। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगे, ठीक है? तो चलो फिर दोस्तों, आज अपनी टीम ब्रो ने ना अपने कमबैक के साथ ही टीम कोडी रोड्स को हराया है और बहुत ही अच्छा कमबैक किया है भाई, ठीक है? तो चलो फिर दोस्तों, आज के हमारे इस मैच को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को आज का हमारा मैच पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो। टाटा बाय बाय।